अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम रिएक्शन देने वाले एक वीडियो पे। ये पे तो पाकिस्तानी है, बट ये लड़का जो है ना एक फनी क्वेश्चन करने वाला है अबाउट नेपाल, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। आइए वीडियो को देखते हैं। बट आपको मेरे इसके जो ना टाइटल बता दूँ, ये लड़का जो है लड़की से पूछ रहे हैं, लड़कियों से पूछ रहे हैं और उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको अगर इन कंट्रियों के लड़कों से शादी करनी पड़ी तो कौन से कंट्री से करेंगे, इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। आइए वीडियो को देखते हैं, मेरे को पसंद आएगी और कुछ अच्छे से क्वेश्चन होंगे। अगर तीन सिर्फ दुनिया के कंट्रीज होती, बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया, तो आप कौन सी कंट्री में अपनी शादी करना पसंद करती? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपका नाम क्या है? विनीश रफीक। विनीश, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है, क्या मीनिंग है इसका? अकल वाली। अकल वाली, चले आप माशाल्लाह, इसका मीनिंग अकल वाली है, तो आपसे क्वेश्चन भी एक अकल वाला पूछते हैं। तो अगर आपको बांग्लादेश से कोई शादी का इनविटेशन आता है मैरिज का, तो आपके क्या रिएक्शन आएंगे? रिएक्शन ये कि वैसे तो मैं हूँ पाकिस्तानी, पाकिस्तान से आए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर बांग्लादेश से आता है तो अगर मेरी तरह अच्छा हुआ, मेरे लाइक हुआ तो कर लूँगी। मतलब मेरी तरह क्या, कैसे अच्छा? जैसे मैं अच्छी हूँ। अच्छी है कि प्यारी है कि खूबसूरत है कि क्या? अच्छी हूँ बस। अच्छा, और उसके अलावा और कोई आपकी कोई फरमाइश हो कि बांग्लादेश का लड़का अगर हो तो उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए? कभी सोचा नहीं है। कभी नहीं सोचा? नहीं, पाकिस्तान का सोचा है। अगर आपको, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको बांग्लादेश से कोई इनविटेशन आता है शादी के लिए, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? बांग्लादेशी से मैं तो कभी शादी ना करूं। उसकी क्या वजह है? क्यों, पाकिस्तान के लड़के नहीं है? पाकिस्तान में लड़के तो हैं, लेकिन अगर बांग्लादेश से आ जाए तो? नहीं, मुझे अपना 100% पता है कि मैं ना कर दूंगी। ना कर देंगे? अगर वहाँ की कोई सेलिब्रिटी हो तो फिर? फिर भी कर दूंगी। कर देगी कि ना कर देगी? कर दूंगी। यानी कि वहाँ शादी कर देगी? क्या नाम है आपका? अरीबा। अरीबा, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है आपका। थैंक यू। इसका मीनिंग क्या है वैसे? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता। अच्छा चले छोड़े। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको बांग्लादेश से कोई शादी के लिए रिश्ता आता है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मेरा तो दरअसल रिश्ता हो गया है, निकाह हो गया मेरा, तो मैं नहीं कर सकती। ओहो हो। अच्छा, फ़र्ज करें अगर आपका निकाह ना हुआ होता और कोई फिर आपका बांग्लादेश से आता, तो आपके क्या रिएक्शन होते? फिर अगर अच्छा होता, ठीक ठाक होता, और फिर तो सोचना था उसके बारे में। अगर तीन सिर्फ दुनिया के कंट्रीज होती, बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया, तो आप कौन सी कंट्री में अपनी शादी करना पसंद करती? इंडिया। इंडिया? उसकी क्या वजह है? मुझे वैसे पसंद है वहाँ पे जाना। तो वैसे आपको, आपके शायद नॉलेज में होगा कि जो ज़्यादातर बांग्लादेशी है वो पाकिस्तानी लड़कियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप उनको कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज उनको, उनको यही कि बांग्लादेश सीख करें, पाकिस्तानी, पाकिस्तान वाली लड़कियाँ पाकिस्तान सीख करेंगी। यानी कि आपको लगता है कि ज़्यादा पाकिस्तानी पाकिस्तान से करेंगे, बांग्लादेश में नहीं करेंगे? नहीं। उसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि अक्सर लड़कियां पाकिस्तान की लड़के पसंद करती हैं, या अगर बाहर का कोई प्रपोजल आए भी, वो ज़्यादा अमीर हो, ज़्यादा खूबसूरत हो, तब कर सकती है, वैसे नहीं, फोर्सफुली कोई भी नहीं कर सकता पाकिस्तान की लड़की। अच्छा, सबसे पहले आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम माही है। अच्छा अच्छा, मारिया जी, आप मुझे ये बताएं, अगर आपको कोई बांग्लादेश से इन्वाइट करता है शादी के लिए, तो आपका क्या आंसर होगा? तो लड़का क्यूट हो, अच्छा हो तो हाँ चलेगा, मतलब कि लड़का क्यूट हो, बांग्लादेश का भी हो, चलेगा। वाह वाह वाह। अच्छा, और इसके पाकिस्तानी गए मर गए। तो अगर पाकिस्तानी क्यूट है और बांग्लादेशी क्यूट है, लेकिन बांग्लादेश में कोई स्टार है, तो फिर आपका क्या ख्याल होगा? तो मेरा ये ख्याल है कि अगर लड़का अच्छा हो, क्यूट हो, मतलब अच्छा, अच्छे घर से हो, अच्छा कमाता हो, तो फिर वो भी चलेगा। अच्छा, और इसके अलावा आप बांग्लादेश के लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि अच्छे लोग हैं वो, मतलब लाइक करते हैं हम उनको भी, अच्छे हैं। अच्छा, तो आपका क्या आंसर होगा? मेरा बांग्लादेश। नहीं, मतलब कि पाकिस्तानी तक है, पाकिस्तानी गए यार, इतने क्यूट बंदे हैं हम पाकिस्तानी, तो आप बांग्लादेश में जा रही हैं यार, ज्यादा क्यूट होते हैं ना, वो ज्यादा क्यूट होते हैं। अच्छा, तो हमसे मैं तो बिल्कुल करूंगी, अगर मुझे कोई क्यूट तो मिल जाएगा तो। अच्छा अच्छा, तो उसमें आपको, उसके अलावा सिर्फ क्यूट ही और कुछ भी ना हो उसमें? नहीं नहीं, वो फनी होना चाहिए मुझे। फनी तो हम पाकिस्तानी सबसे ज्यादा फनी है यार, सारा दिन मुझे हंसाए और
स्टील मॉल और मतलब कोई काम वगैरह ना करे, बस आपका साथ आ रहा है। नहीं नहीं, काम करे, काम भी करे, खुश भी रखे, लेकिन सैड ना हो। तो आप तो पाकिस्तानी भी कर लेंगे, ये तो पाकिस्तानी भी कर लेंगे यार, करो हमारा भी कुछ सोचो यार। आप बताए उसकी क्या कैसी तबीयत होनी चाहिए? उसकी तबीयत मतलब अच्छा होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए, समझदार हो मतलब। तो उनकी तरह वो हंसाए ना रुलाए? नहीं मतलब हंसाने वाला भी हो, दोनों होने चाहिए। नहीं, मतलब इन्हें रुलाने वाला चाहिए हंसाने वाला भी हो और मतलब समझने वाला भी, सब कुछ मतलब उसमें अच्छा अच्छा हो, बुरा कुछ भी ना। सारा कुछ अच्छा कोई नहीं मिलता बीबी कुछ थोड़ा जा काम खराब ही होता है कि जैसे जैसे हर चीज एक लड़की में नहीं मिलती, ऐसे लड़कों में भी होता है, आप बताए। बताएं, आप बताएं क्या हर चीज एक लड़के में मिल सकती है? नहीं, हर चीज एक लड़के में नहीं मिल सकती। मैं ये आंसर ठीक है। और आप क्या कहेंगे, हर चीज एक लड़के में मिल सकती है? ट्राई करे तो मिल सकती है। ट्राई करे मतलब कैसे, हर एक को ट्राई करे? नहीं मतलब अगर वो कोशिश करे बनने की, अच्छा, जैसे वो उसकी वाइफ बनने की कोशिश करेगी कि वो जैसा है, तो उसको भी कोशिश करनी चाहिए थोड़ी बहुत। यानी कि एट द एंड आप दोनों का आंसर ये है कि अगर बांग्लादेश से कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है तो आप एक्सेप्ट कर सकती हैं। बिल्कुल, गुड गुड। मर गए पाकिस्तानी, मर गए पाकिस्तानी। चलें ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, अगर कोई बांग्लादेश से कोई सेलिब्रिटी होता तो फिर आपके क्या रिएक्शन होते? फिर तो मैं कर लेती। उसकी क्या वजह? उसकी वजह आप खुद समझदार हैं। मेरा भी थोड़ी बहुत नहीं। अगर अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में दोनों तरफ से, हाँ आपने जैसे बताया कि आप इंडिया में करना चाहती, अगर इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में अगर दोनों जगह सेलिब्रिटी होती, फिर इंडिया और बांग्लादेश की सेलिब्रिटी इंडियन की सेलिब्रिटी से बड़ी होती, तो फिर उधर जाना ना बांग्लादेश। यानी कि आपने बांग्लादेश एंड में आके बांग्लादेश में हाँ कर देनी थी। अच्छा चले ठीक है, थैंक यू। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो काफ़ी अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी। और ये बात उसमें से मैंने, अगर मैं आपको बता दूँ कि यार पाकिस्तानी लड़कियाँ जो है वो कोशिश करती है कि भाई बाहर कंट्री से, ज़्यादातर उनको लगाव इंडिया से होता है कि इंडिया की कोई लड़की उनसे शादी कर ले, बट अगर नेपाल से कोई अच्छा मिले, बांग्लादेश अच्छा मिले, कहीं से भी अच्छा, फिर वहाँ से भी कर लेती। बट लड़कियों को क्या है, आजकल जितने भी पाकिस्तानी लड़के वो ज़्यादातर आप जो है ना सेलिब्रिटी को जो है ना फोकस करते कि यार ये सेलिब्रिटी है, मैं इससे शादी करूँगी, ये होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादातर पॉजिटिव क्वेश्चन जो आए वो बांग्लादेश से आए, इंडिया से आए, और जिसे टाइटल में लिखा था कि बांग्लादेश नेपाल और इंडिया, बट नेपाल और इंडिया का इतने क्वेश्चन नहीं पूछे, ज़्यादातर इसने जो है ना बांग्लादेश के पूछे। ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने टाइटल में भी लिखा, तमिल में भी लिखा, बट आपने किया नहीं। सो अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, और इसके बारे में आप बताइए कि आप क्या राय है पाकिस्तानी लड़के से शादी, अगर आप कोई इंडिया नेपाल बांग्लादेश से कोई लड़की देख रही है तो आपका क्या रिएक्शन होगा किसी पाकिस्तानी लड़के से शादी करने के लिए? अपनी राय बताए एक मुझे कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में। और पॉजिटिव रिएक्शन था यार, पॉजिटिव था, ज़्यादातर लड़कियों का पॉजिटिव रिएक्शन था अकॉर्डिंग टू बांग्लादेश, अकॉर्डिंग टू नेपाल, अकॉर्डिंग टू इंडिया। तो हमारे तरफ से तो पॉजिटिव रिएक्शन है, बट आपकी तरफ से क्या रिएक्शन है, आप क्या चाहते हो? और आप अगर आपको ये लड़का है, अगर आपका ये लड़का है तो पाकिस्तानी लड़की के बारे में आप क्या सोचते हो कि किस लड़की आपको होनी चाहिए, आपको किस लड़की से शादी करनी चाहिए? और अगर आपको लड़की है तो पाकिस्तानी लड़के के बारे में आप बताइए कि कौन सी क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय बताएं, और बस यही था यार, और क्या बताऊँ।